अस्सलाम वालेकुम सजनों, तो बेलियो मित्रों, तो सहेलियो, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई अक्ल होती है, कोई मौत होती है, पर इन्हें क्या पता वो क्या होती है। तो यार बात को ज्यादा घुमाते नहीं है, सीधा सीधा आ जाते हैं आज के समात पे। तो आज का हमारा मौजू बकवास है टिकटॉकर्स के हमदर्द ज़ैनुल असर का चुस रैप 2। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो डोंट टेक इट सीरियस। आई डोंट वांट टू स्प्रेड हेट और डिफेम। वीडियो सिर्फ शुगल मेले और हासियां खेडियां करने के लिए है, इसे हमें अपनी धुनी पे लेने की जरूरत नहीं है। और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो उरे आ, मैं तेरे जेने कड्डा। इतनी कुत्तों वाली अगर किसी और की हुई होती ना, तो उसने इलाका क्या दुनिया छोड़ जानी थी। पर इतना मुतमिन बगैरत है ना कि फिर से वापस आ गया। अब क्या कहे बंदा इन्हें। चलो अब देख लेते हैं वो चुस रैप जो इसने अभी रिलीज किया है। पर यार देखने को भी दिल ही नहीं कर रहा, इसमें बच्ची ही नहीं है, इस सॉन्ग की जान ही नहीं है यार। हालांकि उस सिर्फ चमक चलो का डांस देखने के लिए तेरे चैनल पे सभी आते थे और तूने उसे ऐड ही नहीं किया इस सॉन्ग में। मैंने जब सुना कि डिस रैप 2 आया तो मैंने अपने कमरे में आकर दरवाजे को कुंडी लगा ली कि बच्ची का डांस एंजॉय करेंगे, मजे आएंगे, पर तूने यार उसे रखा ही नहीं। नो बच्ची, दिस बात इज नॉट अच्छी। कितने मायूस चेहरे खिलखिला उठते थे उसकी वजह से। आ गई ओए बच्ची, आ गई ओए। और तूने इस दफा उसे रखा ही नहीं। इस दफा इस सॉन्ग में ये कलम कल्ला ही है, वो सारियां बगैरतियां खुद ही परफॉर्म कर रहा है और उसके हिस्से की ठुमकियां भी खुद ही लगा रहा है। और एंड लेवल का ठंडा चुस रैप था। असल में ये किसी बर्गर के अपने अंदाज में गालियां निकालने की तकनीक है। अच्छा चलो जो भी है, चेक करवाओ क्या खच मारी है इसने। चलाओ भाई। रुको 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 जरा यार, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इसका हर सॉन्ग सुनसान बियाबान बागबान जगह पे क्यों होता है और उस जगह पे अंधेरा ही क्यों होता है। नहीं मतलब यार, इतने अंधेरे में तूने सॉन्ग बनाना है, चिल्ला काटना है या फिर। चलो रहने दो, बच्चे भी देख रहे हैं। और ऊपर से हर सॉन्ग में इसने काली ग्लासेस लगाई होती है। वो बेस बगैरत चेस चबल, तूने सॉन्ग बनाना है या वेल्डिंग करनी है। लास्ट गाना शुरू हुआ था एक स्टूल से और ये गाना शुरू हुआ है स्टूल पे बैठने वाली तशरीफ से। तुम इसके सॉन्ग के तालमेल चेक कर रहे हो जरा? समझ रहे हो ना? ओए झूठे वकील, टिकटॉक अभी पूरा बंद नहीं हुआ और तूने उनसे मुंह फेर लिया। अब इतनी भी बेरुखी भला क्या हुई, इतनी जल्दी उनसे किनारा कशी कर ली। ये तो तू दुआएं दे एक्सेल बट्टी को, जिसकी वजह से तेरे लास्ट सॉन्ग पे 700K+ व्यूज आ गए थे। अब टकाटक बंद हो गई है तो तूने उनकी छुट्टी करवा दी। पहले तो बड़ा एडवोकेट ढिलो बन के उनका केस लड़ने आया था और अब कह रहा है कि मेरा टिकटॉक से कुछ लेना देना नहीं है। वाह, समझ रहे हो ना? जरा अभी अगर इसने दिमाग इस्तेमाल किया होता ना, तो ऐसी लाइनें ना कहता या लाइनें ही जरा आगे पीछे कर लेता। वहीं पे कह रहा है कि तेरे मुंह लगने से बेहतर मेरा 3 मिनट का गाना है और वहीं पे कह रहा है कि जिस रोस्टिंग को तू कहता है अपना कंटेंट, वो टोटली दूसरों पे डिपेंडेंट है। वैसे ना इस बात के लिए स्पेशल आपके लिए तहे दिल से फिड़े मुंह। हालांकि इसके चैनल पे आने वाली लगातार 3 वीडियोस एक ही बंदे पे डिपेंडेंट है और खुद भी पिछले 3 महीने से एक ही बंदे पे डिपेंडेंट है। और ये बात कह कौन रहा है? जिस रोस्टिंग को तू कहता है अपना कंटेंट, वो टोटली दूसरों पे डिपेंडेंट है। चलो यार आगे चलते हैं, सुनते हैं क्या बकवास कर रहा है। वो यानी रिया होली बोलला जबान ते दंदी ना बढ़ा ली। ओ होली बोलला गेरा वाले डड्डू। चल जा का काम कर जाके। जा दफा हो, पता नहीं की भौंकी जा रहा है तब से। बंदा आराम से बात कर ले, बाकी सब तो अपने अंदर एनर्जी लाने के लिए एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं। ये पता नहीं अपने टोई में मिर्चे लेता है जो एक्स्ट्रा ही एनर्जेटिक रहता है। बस यार बस, मैं अपने कानों पे और ज्यादा जुल्म नहीं कर सकता। और ऊपर से यार बच्चे भी नहीं डाले इस सॉन्ग में। लास्ट टाइम जो इसने चूस रैप निकाला था, आवाम ने उस पे दिल की अथाह गहराइयों से गालियां निकाली थी। सबको यही लगता था कि ऐसी हरकत ये कभी दोबारा नहीं करेगा, पर बड़ा ही मुतमिन बगैरा था फिर आ गया। अब लास्ट चूस रैप की कहानी जरा सुन लो। तो हुआ कुछ यूं था कि लास्ट चूस रैप जब आया था तो कानो कान किसी को खबर नहीं थी, किसी को पता था कि भाई साहब ने डिस रैप की शक्ल में चूस मारी है। उस गाने पे तकरीबन सबसे पहला मेरा ही रिव्यू था और उसके बाद सबने आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पता चलता गया रिव्यू आते गए। पर भाई साहब को मेरी वीडियो इतनी पसंद आई ना कि मेरी वीडियो का थंबनेल चोरी करके अपनी वीडियो पे लगा लिया। वाह।
तो इसके बाद मैंने उसका लास्ट सॉन्ग सुना ना, तो मुझे समझ आया कि ये कहना क्या चाहता था। सुनो जरा। ये लाइन सुन के ना मुझे पहले समझ नहीं आई थी, पर अब जब ये इसका न्यू सॉन्ग आया ना, तब मुझे समझ आ गई। लास्ट सॉन्ग पे तो 1.5 लाख से ज्यादा डिसलाइक्स थे ही, अब जब ये न्यू वीडियो आई है, इसके स्वागत में ही 15,000 डिसलाइक्स हो गए हैं। तो इस हिसाब से ये तो लाइक्स पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई गैरतमंद इंसान होता ना, तो उसने ऐसा सॉन्ग बनाने की दोबारा कोशिश नहीं करनी थी। पर गैरतमंद और बगैरतमंद में फर्क होता है सनम। और उसके बाद सुनो, वो जाले नान वाली बोकर, तेरे चैनल पे लगातार 3 वीडियोस एक बंदे पे आई हैं, और अभी भी वो हॉट टॉपिक नहीं है, इवन टॉपिक भी नहीं है। और उस हर सॉन्ग में, उसके टाइटल में, उसके थंबनेल में डकी बाई मेंशन है। इसके अलावा करने के लिए कोई बात नहीं है और कोई कंटेंट नहीं है। और ये डोंगे के मुंह वाला आगे से क्या कह रहा है, देख तू हॉट टॉपिक नहीं है, इवन टॉपिक भी नहीं है। और उसके बाद सबसे मजे की बात, टिकटॉक ना होता तो क्रिंज तेरा खत्म था, उन्हीं की वजह से चलता तेरा ऐड है। सबसे पहले ये कि डकी जितना पुराना है ना, बल्कि जितना पाटा पुराना है ना, तब ये टिकटॉक तो क्या म्यूजिकली भी नहीं थी जी। और उसका तो पता नहीं उसका ऐड टिकटॉक की वजह से चलता है कि नहीं, पर तुझे कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि डकी की वजह से चलता तेरे चैनल पे अब ऐड है। पर अब जब भी तेरे चैनल पे ऐड चलेगा ना, तो हो सके तो सोच के शर्म महसूस कर लेना कि तेरे चैनल पे जो ऐड चलता है ना, वो डकी की वजह से है। और इस मकसद को हासिल करने के लिए तूने टकाटक के खुसरो का सहारा लिया था। लख दे नारक तेरे मुंह ते। फर्स्ट डिस रैप के बाद जब डकी का रिव्यू आया इसके डिस रैप पे, तो इसके बाद इसने अपने चैनल पे एक और वीडियो अपलोड की, उसमें इसके बयान चेक करो जरा। हमजा मैं हूं, यहां पे इंटरनेट नहीं है, मुझे एक्सेस नहीं था किसी भी तरह से अपने चैनल पे, मैं देख नहीं पा रहा था वीडियोस वगैरह, कमेंट्स वगैरह था। सबसे पहले तो मुझे ये बता के वीडियो को कमेंट चेक करके तूने करना क्या है, क्या है ऐसा कमेंट में? रुक जरा, मैं तुझे कमेंट्स पढ़ के सुनाता हूँ। ओए खुसरे के अबू, अरे बाबा एलेक्स बट्टी की जगह कोई और ढंग का नहीं मिला, लख दी लानत। और ऐसे ही मजीद प्यार भरे कमेंट्स आपकी वीडियो पर मौजूद थे, ये पढ़ने थे। मैं पूरा डिसैप उसके ना, पूरे डिसैप में कोई आजम, कोई माँ की बहन की गाली नहीं है। हैं की क्या फिर से कहना। मैं पूरा डिसैप उसके ना, पूरे डिसैप में कोई आजम, कोई माँ की बहन की गाली नहीं है। ते आ वीडियो विच जड़ी तुसी मिठी बोली बोली है, एदे विच हकीम लुकमान दे मशवरे दिते, वो भी गाला ही सी, वो बेवा बकरी फेर तू कहना अवेयरनेस सी। ओ जा तेरी भैन। अब जो तूने डिस रैप निकाला है ना, मुझे नहीं लगता कि डकी की तरफ से इससे कोई जवाब आएगा, क्योंकि तू जवाब का भी मुस्तैक नहीं है। और तुझ पे मेरी तरफ से भी ये लास्ट वीडियो थी, क्योंकि शर्म तो तुझे आनी नहीं है जी। और हाँ, इस दफा मेरा थंबनेल चोरी ना करना, ओके। तो सजनों, तो बेलियो, मित्रों, तो सहेलियो, कैसे नहीं, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लास्ट में पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक ठोको और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको वीडियो ये कैसी लगी है। और वीडियो को शेयर करो अपने यारों, मोहब्बतों, सहेलियों से, अपनी फूफी, ताई, नानी, चाची, मामी से। और अगर अभी तक आपने मुझे मेरी ब्रांचेस पे फॉलो नहीं किया, तो मुझे मेरी ब्रांचेस पे फॉलो भी कर ले। और अगर आपकी भी कोई वीडियोस के लिए सजेशन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो खुशामदीद, कैसे हैं, वो चाय पानी नहीं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहतों का, रकाबतों का, शुक्रिया प्यार का, इजहार का, इकरार का, आपका और आपके घर बार का। ये थी आज की वीडियो, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, सजनों, तो बेलियों, तो मित्रों, तो सहेलियों, कैसे हो।